कृषक श्री सागर सिंह, ग्राम पीपलीजट, जनपद बिजनौर का ये प्लाट है। इन्होंने ट्रेंच विधि से बुआई की थी 99 में, और गन्ने के जो टुकड़ों का प्रयोग किया गया वो द्वाह के टुकड़े हैं। सितंबर के महीने में इसकी प्लांटिंग की गई थी। इस खेत में अंतः फसल के रूप में पीली सरसों, येलो मस्टर्ड भी ली गई थी। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि गन्ने की जो टिलरिंग है वो बहुत बेहतर है, और जो ग्रोथ है वो करीब 10 से 11 फीट पत्ती सहित हो चुकी है। इस खेत की बुआई के समय इसकी जुताई गहरी की गई, करीब 30 से 35 सेंटीमीटर, लाइन से लाइन की दूरी 5 फीट की है, और जो टुकड़े से टुकड़े की दूरी है वो करीब 10 सेंटीमीटर के आसपास है। 5 फीट की दूरी रखने का उद्देश्य ये रहा है कि जो छोटा ट्रैक्टर है उसी से इसकी निराई गुड़ाई भी हो जाए, और साथ ही में मिट्टी चढ़ाने का जो काम है, यानी गन्ना अगर बढ़ जाए, यानी मई और जून का महीना, तब भी मिट्टी चढ़ाने का काम छोटे ट्रैक्टर से कर लिया जाए और कोई भी काम मैनुअल लेबर से सीधे तौर पे न करना पड़े, जिससे खेती की जो लागत है वो भी कम हो सके और साथ में गन्ने की खेती आसानी से की जा सके, उसमें बहुत ज़्यादा श्रम की आवश्यकता न पड़े। साथ में इसका एक और फायदा है कि हम चाहे इसमें फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन हो, चाहे पेस्टिसाइड का एप्लीकेशन हो, वो कभी भी किसी भी समय कर सकते हैं, और खेत की निगरानी भी बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं, और जब हम इससे रेटून क्रॉप लेंगे तो उसका प्रबंधन भी बेहतर तरीके से निराई गुड़ाई करके, पत्ती को बिछा करके अच्छी तरीके से कर सकते हैं। यह विधि जो ट्रेंच की विधि है बहुत बेहतर है। इस प्लाट को देख करके आप को अंदाज़ा लग जाएगा, और इसका जो सबसे बड़ा जो फायदा है कि आपकी जो बीज की बचत है वो होती है। सीड का ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं जब बीज आपका कम रहेगा, और फर्टिलाइजर की डोजेस रिकमेंडेड हैं उसका जब लाइन में प्रयोग करेंगे तो उसका अपव्यय नहीं होगा, खराब नहीं होगी, और ज़मीन भी हमारी स्वस्थ रहेगी। और साथ में अगर चाहे तो ढेंचे की खेती भी ऐसे गन्ने में कर सकते हैं। इस प्रकार की खेती बहुत सारे किसान भाई हमारे कर सकते हैं, इसको देख करके आप भी फ़ायदा उठा सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।